और स्वयं सहायता समूह की नई नई जानकारियां प्राप्त करें, इसके लिए हमारे चैनल प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी समूह की महिलाओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भुगतान विपत्र किस तरह लिखा जाता है, जो ग्राम संगठन में लिखा जाता है और ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है लिखना इसको। हर ग्राम संगठन में इसका लिखना अनिवार्य है। EC2 बैठक में लेन देन के समय जब हम लोग भुगतान करते हैं, कोई सा भी, कोई किसी तरह का भी भुगतान हो, तो हम लोग भुगतान विपत्र रसीद काट के देते हैं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था प्राप्ति विपत्र में, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे में दिया गया है, आप लोग जाके लिंक पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज अब आपको बताने जा रहे हैं भुगतान विपत्र के बारे में। देखिए ये कैसे लिखा जाता है। यहाँ लिखा गया है दिनांक, यहाँ जिस दिन को आप बैठक कर रही हैं, भुगतान कर रही हैं, उस दिन का वो यहाँ डेट पड़ेगा। फिर लिखा गया है ग्राम संगठन का नाम, आपके ग्राम संगठन का जो भी नाम है, यहाँ ग्राम संगठन का नाम लिखिए। उसके बाद भुगतान मद जिसे आप राशि दे रही हैं, जो भी पैसा आप दे रही हैं किसी महिला को समूह EC2 की बैठक में भुगतान विपत्र में, उनका नाम लिखना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सी एल एफ सफर खर्च हेतु। इस समय हम लोग CLF खर्चों की, महिलाएं CLF में जाती हैं, उनको किराया दिया जाता है, तो उसको हमने यहाँ राशि मिल के बिल संख्या भी नहीं है, यह देखिए राशि 60 रुपया और हमने महिला को दिया है। किसको दिया है, ग्राम संगठन की इसी सदस्य को दिया है। भुगतान मद शांति देवी को CLF जाने के लिए 60 रुपया हमने दिया है, तो यहाँ हमने 60 रुपया लिख दिया है। और देखिए यहाँ 60 रुपया, अब बीच में कुछ दिया नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे काट देते हैं, कहीं कोई कुछ लिख सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ काट देते हैं। इसमें भी दो होता है रसीद, इसके नीचे भी दो रसीद होता है, तो हम लोग इसके नीचे कार्बन कॉपी लगा देते हैं, जो एक बिल का कॉपी सदस्य को दे दिया जाता है और एक बिल का कागज अपने पास रखा जाता है, ग्राम संगठन के अंदर ही ये रखा जाता है। फिर से देखिए CLF सफर खर्च हेतु इनको दिया गया है, 60 रुपया दिया गया, यहाँ 60 रुपया लिख दिया गया, कुल कितना है 60 रुपया दिया गया है। और यहाँ नगद चेक में भुगतान, चेक तो हमने दिया नहीं है, नहीं हमने नगद दिया है, तो यहाँ पे हम लोग नगद लिख देते हैं। अगर चेक में दिया होता तो नगद को काट देते, चेक में दिया होता तो नगद काट देते, लेकिन नगद में दिया तो ये नगद को सही लगा देते हैं, चेक को काट देते हैं, क्योंकि नहीं हमने नगद दिया है। फिर जो आप तारीख, जिस तारीख को आप दे रही हो, जैसे यहाँ लिखा गया 20/9/2017, आप यहाँ भी 20/9/2017 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद करते हैं यहाँ शब्दों में लिखा गया है, राशि शब्दों में 60 रुपये मात्र, यहाँ 60 रुपया दिया गया है, तो यहाँ शब्दों में 60 रुपये मात्र। फिर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, जिस सदस्य इसी सदस्य को अपने दिया है उसके यहाँ साइन लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ लिखा है प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, वो प्राप्त की हैं इसलिए उनका साइन सिग्नेचर होना जरूरी है। यहाँ लेखपाल का होना जरूरी है, लेखपाल का साइन होना जरूरी है। और यहाँ देखिए बीच में मुहर लगाते हैं, ग्राम संगठन का जो मुहर रहता है यहाँ पर मुहर मार देते हैं, फिर उस पर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का साइन करके दिया जाता है। इसका कार्बन कॉपी हो जाता है, तो एक कार्बन कॉपी जो आपके पास रहती है और एक रसीद फाड़ के इसी सदस्य को दे दिया जाता है जिसको राशि देते हैं। अब देखिए एक आपको दूसरा बता रहे हैं, जैसे इसमें है, इसमें भी दिनांक डाल देते हैं, ग्राम संगठन का नाम डाल देते हैं। अब भुगतान मद जैसे भुगतान संगीता कोषाध्यक्ष, जो कि संगीता ग्राम संगठन के कोषाध्यक्ष हैं, उनको इस बार पैसा दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है अगस्त महीने का बिजली बिल के लिए दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, 75 रुपये दिया गया है। अब बीच में तो कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम डैश मार देते हैं, कुल कितना दिया गया, 75 रुपया दिया गया। यहाँ देखिए चेक द्वारा नहीं दिया गया, काट दे, नगद दिया गया तो हाँ नगद लिख देते हैं।
अगर हम लोग चेक द्वारा देते हैं तो आप चेक का नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो आप नगद काट के चेक द्वारा, नगद काट के चेक द्वारा, चेक पे साइन द्वारा साइन इस तरह साइन कर सकते हैं और यहाँ चेक नंबर डाल दीजिए। फिर दिनांक कितना है, 20/9/2017 यहाँ डाल देते हैं। फिर यहाँ देखिए है प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, फिर यहाँ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करवाइए, फिर यहाँ लेखपाल के हस्ताक्षर करवाइए, फिर यहाँ मुहर मार के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का साइन करवा लेते हैं। इस तरह हम लोग भुगतान विपत्र को भरते हैं। इसके पहले वीडियो में आपको हमने बताया था प्राप्ति विपत्र के बारे में, अब ये इस वीडियो में हमने बता दिया भुगतान विपत्र के बारे में। इसलिए आशा करती हूँ समूह के ग्राम संगठन की महिलाओं को पुस्तक लिखने में कोई दिक्कत ना आए। आप लोग नियम का पालन करें और पहले ग्राम संगठन की हर पुस्तक अच्छी तरह से लेखा जोखा करें, अच्छे से लिखें। हम यही चाहते हैं, हमारा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि ग्राम संगठन और समूह अच्छे से चले और गांव की महिलाएं आगे चल के विकास करें। नमस्कार।